वैसे तो मेरे दोस्त जैसे वीकेंड में वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी कैंपेन करते हैं एंड फुली सपोर्ट करते हैं। और हाँ, उनको बहुत दुख होता है, वो लोग भी बताते हैं कि ये जो चल रहा है, ये जो गाली गलौज हो रही है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक नया लो है। बोलते हैं कि राजनीति गंदी होती है, पर ये एक नया लेवल लो है कि आप एक ऐसे इंसान पे एलिगेशंस लगा रहे हो। स्वास्थ्य क्या ठीक करना, स्वास्थ्य लोगों को पहुंचाना, फ्री करना, क्या वो आतंकवाद होता है? शिक्षा पहुंचाना, बच्चों को शिक्षित करना, वो क्या आतंकवाद होता है? बिजली पानी ठीक करना, क्या वो आतंकवाद होता है? और ये तो अभी बात है पापा, तो शुरू से सोशल सर्विस में। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो सुबह सुबह 6 बजे मुझे भाई, दादा दादी, मम्मी पापा, हम सब बैठकर पापा हमें भगवद गीता पढ़वाते थे। और इंसान का इंसान से वो भाईचारा, जो आपने गाना सुना भी होगा, वो अक्सर गाते हैं, वो चीज़ हम लोगों को सिखाते थे, वो गवाते थे। ये आतंकवाद है। तो ऐसे इंसान के ऊपर आप ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हो, इनको लगाने दीजिए। देखिए, ये लोग ले आए 200 MPs आ जाए, 11 CMs आ जाए, पर 2 करोड़ की जब आम आदमी, आज सिर्फ हम लोग कैंपेन नहीं कर रहे, 2 करोड़ आम आदमी आज कैंपेन कर रहे हैं, तो वो लोग दिखा देंगे 11 फरवरी को कि ये लोग एलिगेशंस के ऊपर लोग वोट देंगे या काम के ऊपर। बीजेपी ये कहती हुई आ रही है कि वो हिंदुत्व का झंडा उठाई हुई है। कल आपने देखा अरविंद जी ने हनुमान चालीसा, कितना समय वो पूजा पाठ में यहाँ देते, क्योंकि बाहर लोगों को नहीं पता। हम लोग सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, दिवाली के फेस्टिवल बनाते हैं जिसमें हम पूरा जो भी ट्रेडिशन होता है वो पूरा करते हैं। एंड शुरू से, मतलब जब से अपब्रिंगिंग हो रही है, जैसे जब पापा पहले भी सोशल वर्क करते थे, वहाँ पर भी लेकर जाते थे हम लोगों को, जो उनका एंटी करप्शन का पूरा जो रहा है उसके अंदर भी लेकर जाते थे, दिखाते थे कि कैसे हमें सोशल वर्क करना चाहिए, लोगों को समझाते थे कि उनके अधिकार क्या है। सुबह सुबह भगवद गीता पढ़ाते थे, और बहुत ज्यादा इस लाइन पर स्ट्रेस करते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और लोगों के लिए काम करो। तो यही एक चीज है और यही उन्होंने सिखाया है जिसके ऊपर, और मतलब जो ये लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू परिवार है, दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और उन्होंने हनुमान चालीसा भी गाई, तो पता नहीं ये लोग कहाँ से एलिगेशंस लाते हैं, कहाँ से ये लोग ये झूठे चीजें उठा रहे हैं, हमें भी नहीं समझ आता, और क्यों उठा रहे हैं ये भी नहीं समझ आता है। आप लोग मुद्दे की बातें करो, आप लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट, जिम्मेदारी उनको भी जनता ने ही चूज करके भेजा है, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो और आप ऐसे ऐसे गाली गलौज कर रहे हो, तो आप देश को क्या मैसेज भेज रहे हो, क्या कल्चर पास ऑन कर रहे हो? बार बार एक कसौटियों पे तौला जा रहा है अरविंद जी को, तो क्या लगता है कि वो इन सारी कसौटियों को पार करते हुए चुनाव जीत कर आएंगे? मैंने जैसा कहा कि देखिए, ये सारी चीजें जो टीवी पे दिख रही है, जो ट्विटर पे चलती रहती है, हम लोग देखते हैं, रात में देखते हैं, बहुत दुख होता है, पर फिर जब सुबह सुबह ग्राउंड पे उतरते हैं, रात में फुल्ली री एनर्जाइज होकर आते हैं, बिकॉज जनता, आम आदमी यही कह रहा है कि हम लोग काम के ऊपर वोट देंगे, और पहली बार खूब काम हुए है, क्योंकि घर घर उनको सुविधा मिल रही है, जो बेसिक जरूरत है वो घर घर पहुंची है, तो वो लोग इतना खुश है, वो रियलाइज करते हैं कि इनको बोलने, तो इनको जो बोलना है, हम लोग काम पर ही वोट देंगे, आपके साथ है हम पूरा।